हमें गर्व है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस किया गया उसको भी हमने स्वीकार कर लिया आसन की गरिमा को रखते हुए, लेकिन कार्यसूची में जो उपस्थापित करने का था प्रतिवेदन को उपस्थापित क्यों नहीं किया गया, वो उपस्थापित होना चाहिए। हमें गर्व है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, विशेष समिति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, प्रतिवेदन को उपस्थापित होना चाहिए। हम उसी में आसन से जुड़ा है नहीं अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का बोलना करे, आपका अपमान करे। नहीं नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जो आज अध्यक्ष के चुनाव और उस पर आप लोगों के जो मतलब भावना है उसको व्यक्त करने के लिए कार्यसूची में मात्र यही है, इसलिए आउट ऑफ सब्जेक्ट ना जाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये आपके आसन से जुड़ा है, ये आसन से जुड़ा है, एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्त सरकार के दबाव में किया जाए, एक आसन को नीचे से अगर जो कोई डायरेक्शन दे, आसन को कोई प्रभावित करे, ये आसन का अपमान होगा। आसन कभी प्रभावित होने वाला नहीं है। चलिए, मुझे खुशी है, सदन नियम खुशी है तहत चलेगी, कार्य सूची में जो है उसके मुताबिक ही कार्यवाही आज हो रही है। कल की कार्यसूची में, कल की कार्यसूची में चौथे नंबर पर प्रतिवेदन था, उसको भी आप उपस्थापित करें, आसन की निरपेक्षता को दिखाएं और अध्यक्ष स्थापित करें, आसन की निरपेक्षता को दिखाएं। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक, मैं अंगली नहीं उठाता। मैं आज हमने कहा, हम भी तो अध्यक्ष के चुनाए थे, लेकिन लोग जानते थे कि बहुमत नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने चुनाव कराया, हमने सर्वसम्मति कराया। आप आसन कर, और अध्यक्ष महोदय आपसे यही आग्रह करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप इनसे पहले के भी अनुभव लेके बैठे हैं, और एक इतने बड़े अनुभव कि किताब बाजार में नहीं मिलती है, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, अनुभव के जीते जागते मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं, अपने अनुभव से बिहार की गरिमा को बढ़े, बिहार को जो अपराध और भ्रष्टाचार के वातावरण से कलंकित हुआ है उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया वातावरण बनाएं और उस प्रतिवेदन को उपस्थापित करें। माननीय, यही आग्रह है आपसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मर्यादित जगह के हैं, आपके बहुत जबरदस्त महत्व है, इसलिए सदन के कार्यवाही को चलाने में सकारात्मक भूमिका आपकी होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय अब स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का आप